हे एवरीवन, सो ICSI ने एक रिसेंटली नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सोशल ऑडिट। अब सोशल ऑडिट के अंदर ही दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड सोशल एंटरप्राइज, सोशल ऑडिटर, मतलब कि ये सब सोशल के वर्ड के अराउंड ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में तो मैं बताती हूँ। और इस बार का जो CS प्रोफेशनल का पेपर था उसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा भी गया था, बिकॉज इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो मैंने ये एक जो ड्राफ्ट है ये मैंने प्रिपेयर, मतलब मैंने नहीं प्रिपेयर किया है, पर मैंने खुद से थोड़ा बहुत रीड किया एंड रिसर्च किया, तो टैक्स गुरु की साइट से मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है एंड आई होप तुम लोग को भी समझ में आए। तो पहले देखते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज़ टू अट्रैक्ट सोशल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट फाइनेंसिंग इन सोशल एंटरप्राइज। मतलब कि देखो, जब हम एक कंपनी बन के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, हम इसलिए होते हैं, हमें पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टर्स से, राइट? तो अगर हम एक ऐसी कंपनी है जो ग्रीन इनिशिएटिव या अच्छे चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करती है, लाइक हम हंगर भी इरेडिकेट करवा रहे हैं, या हम सोशली बहुत एक्टिव हैं, हम क्लाइमेट के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बहुत ही सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, तो हम एक सोशल एंटरप्राइज बन जाते हैं, क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं हम बहुत अच्छा अच्छा सोशल काम करते हैं, ठीक है? अब स्टॉक एक्सचेंज, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, उसका काम ही ये है कि ऐसे इन्वेस्टर्स को लाए ऐसी सोशल एंटरप्राइजेस के पास, जो इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा एक ऐसे पर्पस में लगाना चाहें जो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट उनको दे। यानी कि अगर दो जगह इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है, एक है जो टोबैको बनाती है कंपनी और एक आर्म्स बनाती है, एक कंपनी है जो सोलर पैनल्स बना रही है या फिर जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए कुछ इन्वेंशंस बना रही है, तो मैं ऑफ कोर्स एक, अगर मैं सोशल सोशल इन्वेस्टर हूँ अगर मैं, तो मैं कहूँगी यार मुझे अच्छी जगह पे अपना पैसा लगाना है, मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है और मुझे अपने पैसे तो डबल चाहिए चाहिए, ठीक है? तो मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके ऐसी सोशल एंटरप्राइज में अपना पैसा लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक सोशल इन्वेस्टर हूँ, ठीक है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक्ट्स एज अ मीडिएटर। अभी अभी समझाया मैंने, जो सोशल एंटरप्राइज को फंडिंग्स चाहिए होती हैं और इन्वेस्टर्स को ऐसी जगह पैसे लगाने होते हैं जहाँ पे सोशल कॉज को भी लोग जिसके ऊपर काम करें, तो वो एक ऐसा मीडिएटर बन जाता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ऑब्वियसली सोशल एंटरप्राइज की ही सिक्योरिटीज़ होंगी उसमें, ताकि हमें एक ऐसी जगह मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए बनी है, सोसाइटी के लिए जो कर रहा हो, तो स्टॉक एक्सचेंज ही वो ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ठीक है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने क्या किया, टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी एंड नॉलेज अमंग द शेयर होल्डर्स, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स, एक्चुअली स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द सोशल एंटरप्राइज। मतलब कि सेबी चाहता था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाए, उन्हें नॉलेज भी हो सोशल एंटरप्राइज की। तो सेबी ने अपने जो सेबी LODR रेगुलेशन है 91E वो लाया, एंड उसने लाया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट, ऐसा सेबी ने लाया है अंडर रेगुलेशन 91E LODR। अब ICSI ने क्या किया, टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ICSI ने इंट्रोड्यूस किए हैं सोशल ऑडिट करने के लिए आपको कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स ये ICSI ने प्रमोट किए हैं, फॉर्म्यूलेट किए हैं, टू गाइड, टू प्रोवाइड एज अ गाइडेंस टू कंडक्ट सोशल ऑडिट फॉर अ सोशल एंटरप्राइज विच इज़ एंगेज्ड इन गुड एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट अभी आगे है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये बहुत ही एक आसान सी चीज़ है, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको पैसे चाहिए, आ जाइए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, आपका सोशल ऑडिट होगा, आप एक सोशल एंटरप्राइज बन जाएंगे, आपको सोशल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, सोशल 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 सब बढ़िया है। और आपको ऑफ कोर्स, अगर आप एक सोशल ऑडिट होगा तो वो कौन करेगा, सोशल ऑडिटर करेगा। सोशल ऑडिटर को क्या फॉलो करना है, जैसे सेक्रेटेरियल ऑडिटर को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, सोशल ऑडिटर सोशल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, सब कुछ इनके नाम में ही लिखा हुआ है। सोशल ऑडिट का मतलब देख लेते हैं आप।
पर्पस ऑफ सोशल ऑडिट इज़ टू एसर्टेन, मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं, हम आपका इम्पैक्ट देख रहे हैं, आप अपने आप को जो सोशल एंटरप्राइज बता रहे हो क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है आपने. सो वी विल ऑडिट, इन दिस ऑडिट वी विल चेक द इम्पैक्ट दैट यू मेक थ्रू योर एक्टिविटीज़, इंटरवेंशंस, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, जो आप बातें करते हो कि आप उसमें कुछ सच है भी, ये हम सोशल ऑडिट में चेक करेंगे. तो ICSI ने स्टैंडर्ड दिया है SAS, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स. तो ये जब ऑडिट किया जाएगा ये स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई किए जाएंगे, और हर इंटरप्राइज पे नहीं एप्लीकेबल होगा. जो सोशल इंटरप्राइज है, जो अपने आप को बोलती है हम सोशल इंटरप्राइज हैं या उस कैटेगरी में आ रही है, वो हो जाएगी सोशल ऑडिट के अंडर. नेक्स्ट, सोशल ऑडिट मस्ट बी परफॉर्म बाय ऑब्वियसली सोशल ऑडिटर. अब ये सोशल ऑडिटर के लिए कोई नई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप CMA हैं, मतलब आप सोशल ऑडिट कर सकते हैं. यू मस्ट कंप्लाई विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स. इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स ऑन द इम्पैक्ट दैट सोशल एंटरप्राइज मेक्स. ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है. These procedures are designed to identify the impact which is made by the social enterprise. Of course, जो भी उन्होंने अपने reporting period में impact किया है हम वही सब check करेंगे. It helps the stakeholders in understanding कि project क्या है, उसने impact क्या create किया है, उसमें challenges क्या आए हैं, एंड उनको मिटिगेट कैसे किया है इस enterprise ने. Stakeholders को भी सब कुछ पता चल जाएगा audit के through. मेथडोलॉजी जो है विच इज़ अडोप्टेड फॉर सोशल ऑडिट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डेटा एवेल्यूएशन. हर टाइप का हम डेटा इसमें एवेल्यूएट करेंगे. सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स आर रिटन इन कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट बाय अ इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिटर. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. हम एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, आपको पता ही है ओपिनियंस क्या होते हैं, मतलब कि अपना रिमार्क्स देंगे, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, मॉडिफाइड, एडवर्स ओपिनियन कि बहुत ही ख़राब काम किया है फिर एकदम सही काम किया है इस कंपनी ने, क्या भी उसके एस्पेक्ट्स हैं विद फंड रेजिंग, मतलब इन्होंने जिस काम के लिए पैसा लिया है, जो बोल रहे थे कि हम बड़े सोशल हैं, क्या वो काम किया भी है, इन लोगों ने क्या इम्पैक्ट लाए भी हैं ये लोग, वही सब चेक करेंगे. It is undertaken to enhance the degree of confidence for of the intended users in activity, intervention or programs. ठीक है, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं, बिकॉज वो वर्ड्स मुझे लगता है बहुत सही हैं, उन वर्ड्स से ही आपको सब समझ में आ जाएगा. ICSI के जो ये स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर टेकन टुगेदर फॉर सोशल ऑडिटर्स वर्क इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव. मतलब कि अगर आप खुद एक सोशल ऑडिटर बन के ऑडिट करना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो दी स्टैंडर्ड्स. ICSI's Institute of Social Auditors is a self-regulatory organization. यहाँ से आपको शायद सर्टिफाई कराना होगा. It was incorporated, एकदम नया है, 4th October 2022 में इनकॉर्पोरेट किया है. ऑब्जेक्ट वही है, ये गाइडलाइंस देगा, जैसे ICSI अपना इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस देता है, वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स ये भी गाइडलाइंस देगा, रूल स्टैंडर्ड्स बनाएगा कि कैसे आप सोशल इंटरप्राइज को इम्पैक्ट एवेल्यूएशन कर सकते हैं. इट एम्स टू रेगुलेट सोशल ऑडिटर्स, जैसे कि एग्जैक्टली जो काम ICSI जो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए करता है, हमारे हमारे इस प्रोफेशन के लिए करता है, एग्जैक्टली ये वही करेगा. इंट्रोडक्शन देखते हैं अब हम. ओवरव्यू ऑफ सोशल ऑडिट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल. इट इज़ इम्पार्शियल सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड हेल्प्स द स्टेक होल्डर्स टू असेस द इम्पैक्ट द सोशल इंटरप्राइज मेक. बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ कम से कम 5-6 बार रिपीट हो चुकी है, अब सर में घुस गई होगी, अच्छे से याद हो गई होगी. नेक्स्ट, इट एम्स टू एड रेगुलेटर्स, हेल्प्स द रेगुलेटर्स इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड ऑल्सो जनरल पब्लिक टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि हमें इन सोशल इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. ऑफकोर्स रिपीट हो रहा है फिर से. An undertaking of issues, an understanding of the issues related to social, economic, cultural factors. अब आजकल सब कुछ ESG के लिए इतना ज़्यादा अवेयर हो गया है, इसीलिए हम इन सारे इश्यूज़ के ऊपर चेक करेंगे सोशल एंटरप्राइज कैसा परफॉर्म कर रहा है. अ डिटेल्ड सोशल ऑडिट डिटेल्ड नीड्स टू बी कैरी आउट टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट एंड द इम्पैक्ट इट मेक्स. सोशल ऑडिट हेल्प्स इन एनहेंसिंग द
प्रोजेक्ट बेनिफिट्स टू पुअर एंड वल्नरेबल पीपल। आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सोशल ऑडिट के थ्रू हम आपको ये बता सकते हैं, चेक करके, कि आपने कितना बढ़िया काम किया या कुछ काम का आपके इम्पैक्ट हो भी रहा है कि नहीं, ऑडिट कर रहे हैं ना हम क्योंकि, और हम आपको बता सकते हैं कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हो इनके अगर कुछ वेस्ट हो रहा है तो, या कैसे आप करेक्ट एक्शन ले सकते हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑडिट इज़ टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड विद द इंटरवेंशन ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोजेक्ट इज़ एबल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नॉट। ऑफकोर्स हम चेक करेंगे और पता चल जाएगा कि कुछ इम्पैक्ट हो भी रहा है कि नहीं, आप या फिर सिर्फ क्लेम कर रहे हो या आप कर नहीं पा रहे हो वो चीज़, एंड क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है अगर हो रहा है तो, क्या कोई गैप है बिटवीन योर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट और अभी आप जहाँ पर हो एग्जैक्टली, कैन वी फिल दैट गैप एनी हाउ। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल ऑडिट इज़ टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट द गैप, वेरीफाई वेदर द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड और नॉट। सोशल ऑडिटर मस्ट एक्सरसाइज हिज ओन टेक्निकल जजमेंट टू डिटरमाइन द इशूज दैट शुड बी सब्जेक्ट टू इंक्वायरी। तो सोशल ऑडिटर के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मिनिमम इशूज विच मस्ट बी एड्रेस बाय द सोशल ऑडिटर, और ये सोशल ऑडिट करते हुए क्या क्या चेक करेगा, क्या क्या इशूज़ चेक करने हैं, हमें प्रोजेक्ट के बारे में चेक करना है कि क्या वो इम्पैक्ट लाएगा भी सोसाइटी, इन्वायरमेंट सोसाइटी पे, लोकल कम्युनिटी पे, वेदर देर विल बी एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द जनरल एक्सेस ऑफ कम्युनिटीज़ टू, मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है क्या ये कोई ऐसा चेंज ला देगा कि ये जो कम्युनिटी है, जो गांव विलेज है, कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस कर ही ना पाए, वाटर गैस एनर्जी, कि प्रोजेक्ट सही भी है कि नहीं, एंड डज द लोकल कम्युनिटी हैज़ एनी इफेक्टिव मैकेनिज्म्स टू डील विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हो सकता है कि अगर कोई फैक्ट्री बना रहे हो आप बोल के कि सोशल एंड आप सोशल एंटरप्राइज बहुत बढ़िया होगा फ्यूचर में, तो हम चेक करेंगे कि होगा भी कि नहीं वो चीज़ लॉन्ग टर्म, आपके पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं भी इस कम्युनिटी के पास कि नहीं, तो हम ये सब चेक करेंगे, हम सोसाइटी की तरफ से चेक कर रहे हैं। आर देयर इज ग्रुप्स डिफरेंशली इम्पैक्टेड, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं माइनॉरिटीज़ LGBTQ, उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हम वो चेक करेंगे। वी विल चेक द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज सर्विसेज डिमांड लाइक एजुकेशन और हेल्थ। वी विल चेक द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस एनी पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक मूवमेंट, क्या कोई किसी तरह का चेंज आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अबव क्वेश्चंस कैन हेल्प द ऑडिटर टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट एज वेल एज एनी अनमैनेजेबल सोशल ऑब्स्टिकल्स। हर बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब ये तो मतलब इसमें ये ऑडिट करके सोसाइटी का भी फ़ायदा है और जो एंटरप्राइज है उसका भी फ़ायदा है, उसको भी बहुत कुछ अच्छे, मतलब जो भी रिजल्ट मिलेगा उससे वो काफ़ी कुछ एनालाइज कर सकता है अपने आप को। दिस अलाउज एंटिसिपेशन ऑफ एनी एडवर्स सिग्निफिकेंट सोशल इफेक्ट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवॉइड मिनिमाइजिंग और ऑफसेटिंग दैम। अब क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट असेसमेंट हम कर सकते हैं, वही सारी जो सोशल कॉजेज़ हैं, हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। यू कैन रीड दिस ऑल, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। सोशल ऑडिटर्स इम्पैनल्ड अंडर IISA शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व रिकॉर्ड्स। ऑफकोर्स 8 ईयर्स के लिए आपको रखने ही हैं, टेम्परेरी वाले परमानेंट रिकॉर्ड्स तो परमानेंटली रखने हैं, दी एक्ट एज एविडेंस। बेनिफिट्स और एडवांटेजेस क्या हैं सोशल ऑडिट के। सोशल ऑडिट असेसेस द सोर्स ऑफ फंडिंग, आपको एज अ सोशल एंटरप्राइज जहाँ से भी फंड मिल रहा है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, हर चीज़ को हम चेक करेंगे, तो ये बेनिफिट रहेगा कि हम मॉनिटर कर सकते हैं आपको। इट विल एनकरेज द सोशल परफॉर्मेंस, कि आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो, सोशल एंटरप्राइज बोल तो रहे हो अपने आप को। इट विल इम्प्रूव द रिलेशंस विद स्टेक होल्डर्स, ऑफकोर्स स्टेक होल्डर के सामने आपकी बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली रिलेशनशिप बन सकती है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, डेटा यूज़ करके हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट एंटरप्राइज से आपको कंपेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज एनहांस द रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑफकोर्स आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे आपकी ऑटोमेटिकली रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफकोर्स स्टेक होल्डर्स से आपने जो जो लिया है एज अ कंपनी एज अ एंटिटी वो सब आप वापस देंगे, आपको एक सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने वाला रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आएगी और आपको करना भी चाहिए बिकॉज द एंटिटीज़ आर ऑल ऑपरेटिंग इन द सोसाइटी।
अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं सोशल ऑडिट में? इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जो टारगेट एरिया है हमारा, डेटा कलेक्शन इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग. नाउ यू कैन सी अ सैम्पल रिपोर्ट, नेम ऑफ द सोशल इंटरप्राइज. सोशल ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा ये उसका एक सैम्पल है. नेम ऑफ द इंटरप्राइज जो भी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये है ड्राफ्ट फॉर्मेट प्रिपेयर्ड बाय जिसने भी प्रिपेयर किया है, उसका डिटेल्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी कि ये अबाउट द एंटिटी, इंट्रोडक्शन दैट व्हाट ऑल वी टुक, व्हाट इज़ आर व्हाट द एक्टिविटीज़ वी डू, द बैकग्राउंड एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, ऑब्जेक्ट क्या है सोशल ऑडिट का, व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड. नाउ ऑन व्हाट बेसिस द ऑडिटर इज़ गिविंग इट्स ओपिनियन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस, details about the target section, what the approach and methodology has been, scope and stakeholders, जो जो effect होंगे इससे, impact होगा जिन पे, define the issues to be checked, reporting key findings, opinions or gaps or any challenges जो हमें लगे, recommendations, any annexure जो आप चाहते हो read करें आपके readers बाद में, any material evidence was important and any other document which may be required. So I hope that was very easy, simplified. अब ये read करने के बाद और ये video देखने के बाद I think तुम लोग को समझ में आ गया होगा what is social enterprise, social stock exchange, social auditor, social audit. I think it is very easy, it is a new concept. अभी भी इसमें बहुत सारे changes आते रहेंगे, लेकिन as a new concept थोड़ी सी clarity तो आ ही गई होगी. And अगर अच्छा लगा हो तो like कर देना and comments में बताना कैसा लगा ये video. Thank you so much.